लिखो जैसा मैं बोलती जाती हूँ। अरे क्या लिखूं, लड़के की माँ को इश्क हो गया है कि सास को इश्क हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझ में नहीं आता तो इतना बड़ा बोर्ड काहे को लगाया। अरे लड़के की तरफ से लड़के की माँ को लिखो कि अपन ने लड़की पसंद कर ली और शादी करेंगे तो सिर्फ उस साली से करेंगे। बड़ी बिंदास लड़की है, बड़े बड़े पहलवानों को ऐसे चित कर देती है जैसे कुली लोग स्टेशन पर सामान फेंक देते हैं। अरे कोई सलाम माई का लाल उसका मुकाबला नहीं कर सकता, गर्दन तोड़ कर रख देती है, लोहे के चने को आटे की तरह पीस कर रख देती है, दौड़ने में बंदूक की गोली से भी तेज दौड़ती है, एक सुनती है तो सौ सुनाती है। माँ तुझे ऐसी पहलवान बहू कहीं नहीं मिलेगी, हाथ पकड़ ले तो हाथ छुड़ाना मुश्किल। मर्दों के कान भी काटती है और जेब भी, बाता बाता में माल इधर का उधर कर देती है। लिख दिया सर? हा? मैंने कहा था ना नतीजा, वो आपको बुला रही है, आकर गुड मॉर्निंग करने के लिए कहा है। बाद में? बाद में मतलब कब? क्लास खत्म होने के बाद में बोला ना। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सर। अभी तक यहीं बैठी है? मैडम साहब ने ये कहा है कि पढ़ाई खत्म होते ही वो आपसे मिलने आ जाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? सर आप ये देख कर भी वहाँ चुपचाप खड़े हैं, ये क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? छोड़ दो। डीन सर, इस लड़की का नाम है दीपिका। शायद इसलिए भगवान ने मेरी आंखें ले ली कि तू जैसे बेटे का मुंह न देख सको। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसके घर में प्रह्लाद पैदा हुआ था। तेरा बाप तो धर्मात्मा था, अरे दशरथ के घर में रावण कैसे पैदा हो गया? कर रहा है। अच्छा ये बताओ, पहले तुम लोग किस एरिया में भीख मांगते थे? पास के एरिया में भीख मांग रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग हमसे भी बड़े भिखारी हैं। अरे कचरे के डब्बे में खाने लायक कुछ डालते ही नहीं है। आपका नाम क्या है? अच्छा ऐसी बात है, नाम क्या है? कॉलेज में कौन नया आया है? फाइनल ईयर में आया है, उसका नाम शिया। कौन है वो? उससे भी ऊपर डीन है। नहीं उससे भी ऊपर गवर्नर है, उससे भी। अबे कौन है बोलता है कि तू एक? सर दीपिका मैडम इस कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, लेकिन सब कुछ फाइनल वही करती हैं, समझे? मेरा नाम आनंद है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, आज से यहाँ पर सब कुछ फाइनल मैं ही करूँगा। अब क्या फाइनल करेंगे सर? दैट इज द फंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द हार्ट। Let us come to the left pulmonary artery. It does not function on its own. Right article and right pulmonary artery.